ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के शिमला में कांग्रेस मुख्यालय की हैं, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थकों में खूनी झड़प हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों के समर्थकों के बीच खूब लाठी डंडे चले, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गईं और हाथापाई भी हुई, जिसमें दोनों तरफ के कई समर्थक लहूलुहान हो गए। दरअसल गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष कुलदीप राठौर की शिमला में ताजपोशी होनी थी। चौड़ा मैदान शिमला में कुलदीप राठौर की ताजपोशी के बाद जब कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन पहुंचे, तो वीरभद्र और सुक्खू के समर्थक आपस में किसी बात को लेकर भिड़ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।